हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं आल एडिटर आशीष 67। तो फ्रेंड्स, आज के इस नई वीडियो हम करने वाले कुछ इस टाइप की एडिटिंग। तो फ्रेंड, आपको कुछ इस टाइप का फोटो शूट करा लेना होगा, ठीक है। तो फ्रेंड, मैंने अपने फ़ोन से ही शूट करा रखा है, तो आप भी अपने फ़ोन से पोर्ट्रेट मोड करके ये फोटो शूट करा सकते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड, आप कोई भी पोज में फोटो शूट करा सकते हैं। और हाँ फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, यार मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ सीखने से मिलता है मेरे चैनल से तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड, इसके बाद आपको करना क्या होगा फ्रेंड, आपको अपना पिकार्ड ऑन कर लेना होगा, ठीक है। जैसे कि मेरा पिकार्ड ऑन हो रहा है फ्रेंड, माफ़ कर दीजिएगा, बहुत ही लोड ले रहा है। तो फ्रेंड, जैसे कि पे कार्ड मेरा ऑन हो चुका है, उसके बाद आपको प्लस वाले आइकन पर जाना होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको अपना बैकग्राउंड चॉइस कर लेना होगा, ठीक है। और हाँ फ्रेंड, जैसे कि बैकग्राउंड पीएनजी कुछ भी मैं यूज़ करूँगा, सारी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ फ्रेंड, जैसे कि मॉडल का बैकग्राउंड पहले से मैंने रिमूव कर रखा है एंड हेयर स्मूथ वगैरह सब कुछ कर रखा है, और इसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख लीजिएगा कैसे हेयर्स बनाते हैं, स्मूथ करते हैं, कटिंग करते हैं। तो आप सारी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। तो आगे के स्टेप आपको बताता हूँ फ्रेंड। यहाँ से आपको चला जाना होगा ऐड फोटो पर, ठीक है। एड फोटो पे जाने के बाद आपको अपना मॉडल ले आना होगा जिसके ऊपर आप एडिटिंग करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड, आपको मैं आगे का स्टेप बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो फ्रेंड, आपको कुछ ऐसे नीचे इसको एडजस्ट करना होगा, जैसे मैं कर रहा हूँ ना गाइस, आपको कुछ ऐसे ही करना होगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा इसको और नीचे कर लेता हूँ, कुछ ज़्यादा ही वो है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ एडजस्ट हो गया, तो यहाँ से कर लेता हूँ डन, ठीक है। और डन करने के बाद गाइस, मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना होगा। तो आपको एक PNG है, उसको आपको ले लेना होगा, ठीक है। सारी आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो आप वहाँ से ले लीजिएगा, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ कंगे। हाँ ये रही। तो फ्रेंड, आपको इसको ये करना होगा, आपको यहाँ से इसको ब्लेंड कर देना होगा, मतलब कि ब्लेंड में जाके स्किन कर देना होगा, ठीक है। स्किन करने के बाद फ्रेंड, मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना होगा। तो फ्रेंड, आपको कुछ ऐसे नीचे इसको एडजस्ट करना होगा, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद फ्रेंड, आपको जो ये ऊपर का पार्ट आ रहा है जो इसमें लिखा हुआ ओपन, इसको आपको रिमूव कर देना होगा, इरेज में जाके इसको रिमूव कर देना, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, यहाँ से इसे भी कर लेते हैं डन, ठीक है। और डन करने के बाद गाइस, मैं आपको आगे के स्टेप बताता हूँ। तो यहाँ से आपको ऐड फोटो पर जाना होगा, और ऐड फोटो पे जाने के बाद आपको एक विंग की PNG मिलेगी, आपको उसको ले आना होगा, ठीक है। जैसे कि ये रही, ठीक है ना। तो थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं, छोटा करने के बाद गाइस, आपको कुछ ऐसे एडजस्ट करना होगा, ठीक है। जैसे मैं कर रहा हूँ गाइस, आपको कुछ ऐसे ही करना होगा, ठीक है। तो फ्रेंड, इसकी ओपासिटी को हम थोड़ा कम कर देते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड, जैसे कि हमारे हाथों में जो पार्ट आ रहा, तो इरेज में जाके इसकी हार्डनेस फुल कर देंगे एंड साइज को छोटा कर देंगे, और जूम करके जो हमारे हाथों में पार्ट आ रहा, तो उसको हम कर लेते हैं इरेज, ठीक है। तो फ्रेंड, आप वीडियो पर बने रहिएगा, तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ। तो फ्रेंड, आपको जैसे कि ये दूसरा पार्ट आ रहा, तो इसको हम इरेज कर देंगे, ठीक है। इरेज में जाके वो ब्रश लेके इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। और इरेज करने के बाद गाइस, आपको यहाँ से भी कर देना होगा डन, ठीक है। और डन करने का फ्रेंड, आपको फिर ऐड फोटो पे जाना होगा, जो PNG हमने अभी लिया था उसको फिर ले लेते हैं, ठीक है। तो हम दूसरे हाथ में लगा देते हैं, तो यहाँ से इसको ले लेते हैं, और लेने के बाद थोड़ा हम जूम करेंगे और ऐसे इसे भी मतलब कि ले लेते हैं दोबारा से, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया। तो फ्रेंड, इसकी ओपेसिटी भी हम थोड़ा कम कर देते हैं, ठीक है। और कम करने के बाद आप इरेज पे जाइएगा, और इसकी हार्डनेस फुल कर दीजिएगा, और साइज अपना छोटा कर दीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड, इसको जो हाथों में पार्ट आ रहा है, तो इसे हम इरेज कर लेते हैं। फ्रेंड, मैं थोड़ा जल्दी कर लेता हूँ, ठीक है।
तो फ्रेंड जैसे कि मैंने कर लिया तो इसके ऊपर सिटी हम कर देते हैं 100, ठीक है। 100 करने के बाद फ्रेंड जो हमारे हाथों में ये दूसरा पार्ट आ रहा तो इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं कर रहा हूँ गाइस, आपको कुछ ऐसे ही करना होगा, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ से भी इसे कर देते हैं डन। बहुत ही बढ़िया अच्छे तरीके से हमारी एडिटिंग हो चुकी है, तो इसे भी कर देते हैं डन, ठीक है। और डन करने के बाद गाइस मैं आपको बताता हूँ आगे के स्टेप। और फ्रेंड फिर आपको ऐड फोटो पे जाना होगा, ठीक है। तो फ्रेंड एक आग की पीएनजी आपको उसको भी ले आना होगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं ये आग की पीएनजी ले आता हूँ, ठीक है ना। तो आग की पीएनजी लाने के बाद आपको इसकी ओपासिटी में जाना होगा, और सॉरी गाइस आपको यहाँ से इसके ब्लेंड पे जाना होगा। ब्लेंड में जाके इसको स्कैन कर देना होगा, ठीक है। और स्कैन करने के बाद आपको थोड़ा जूम करना होगा, और जूम करना करके आपको थोड़ा ऐसे ऊपर आपको लगा देना होगा, ठीक है। तो फ्रेंड और जो पार्ट आ रहा तो हम इसे इरेज कर लेते हैं, जो थोड़ा ये पार्ट आ रहा ना तो इसको हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है। इरेज करने के बाद गाइस आपको करना क्या होगा, इस पर टच करना होगा। टच करने के बाद एक इसकी डुप्लीकेट निकाल लेनी होगी, ठीक है ना। तो मैं इसकी एक डुप्लीकेट निकाल लेता हूँ और दूसरे पार्ट में भी एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको थोड़ा मैं पलट देता हूँ, ठीक है, इस साइड कर देता हूँ। बहुत ही बढ़िया है ना गाइस। तो थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, इसको भी बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी कर लेते हैं डन, ठीक है। और गाइस डन करने के बाद मैं आपको एक पीएनजी और लानी होगी, जो कि आग की पीएनजी वो भी है। तो ये रही जैसे कि आग की पीएनजी, तो इसको भी हम जाएंगे ब्लेंड पर, इसे भी कर देंगे स्क्रीन, ठीक है। बहुत ही बढ़िया स्क्रीन करने के बाद गाइस हम इसको नीचे लगा देंगे, ठीक है ना। जैसे मैं एडजस्ट करूँ गाइस आपको कुछ ऐसे ही करना होगा, ठीक है। तो इसे भी यहाँ से कर लेते हैं डन। तो हमारी एडिटिंग बहुत ही बढ़िया हो चुकी है पिकार्ड से, तो हम इसे यहाँ से ड्रॉ टूल में जाके इसे सेव कर देंगे, ठीक है। जैसे कि ये सेव हो चुकी है, तो फ्रेंड उसके बाद आपको जाना होगा लाइट रूम में, ठीक है ना। तो फ्रेंड यहाँ से आपको जाना होगा ऐड फोटो पे, ठीक है। और ऐड फोटो पे जाने के बाद गाइस मैं आपको बताता हूँ आगे के स्टेप। तो आपको अपनी फ़ोटो ऐड कर लेनी होगी, ठीक है। हाँ हो चुकी है। तो इसे भी ले आते हैं हम अपने लाइट रूम में, ठीक है। तो अभी इस पर आपको करना क्या होगा, आपको लाइट पे जाना होगा, इसकी हाईलाइट थोड़ा कम करने होगा, ठीक है। और शैडो को थोड़ा हल्का सा डाल देना, और बकाया आपको कुछ नहीं करना गाइस, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपको आगे कलर पे चला जाना, मतलब कि आगे स्टेप पे जाना होगा। और आपको सबसे पहले जो तीसरे नंबर पर ऑप्शन मिलता है आपको थोड़ा हल्का सा बढ़ा देना होगा, ठीक है, कुछ इतना। और जो लास्ट में मिलता है सैचुरेशन, तो उसको आपको कम कर देना होगा, ठीक है, कुछ इतना। और उसके बाद आपको मिक्स टूल पर चला जाना होगा, ठीक है गाइस। तो फ्रेंड जैसे कि हमें दो फर्स्ट नंबर का कलर मिलता है तो उसको थोड़ा कम कर देंगे, ठीक है। और जो दूसरे नंबर पे मिलता है सैचुरेशन, उसे थोड़ा हाई कर देते हैं गाइस, ठीक है। और फ्रेंड हम अगले कलर पर चलते हैं, तो इसकी सैचुरेशन हल्की सी कम कर देते हैं गाइस, ठीक है। और हम लूमियंस को हाई करेंगे तो फ्रेंड हमारा फेस वाइट हो जाएगा। तो फ्रेंड मुझे ज़्यादा वाइट नहीं चाहिए, तो मैं कुछ इसको 40 के आसपास रखता हूँ, ठीक है गाइस। तो आपको जितना वाइट चाहिए आप उतना रख सकते हैं, ठीक है गाइस। उसके बाद अगले कलर पर चलेंगे और इसकी सैचुरेशन एकदम डाउन कर देंगे, मतलब कम कर देंगे गाइस, ठीक है। और कम करने के बाद थोड़ा इसको हाई करेंगे और इसकी हू को थोड़ा बढ़ा देंगे गाइस, ठीक है। और सैचुरेशन थोड़ा कम कर देंगे, अगले कलर पर चलेंगे तो इसकी हू को बढ़ाएंगे और सैचुरेशन को हल्का कम कर देंगे। फिर अगले कलर पर चलेंगे और इसकी सैचुरेशन एकदम डाउन कर देंगे गाइस, ठीक है ना। और जो हू मिलता है तो इसको हल्का सा बढ़ा देंगे, ठीक है। और अगले कलर पर चलेंगे तो हू को बढ़ाएंगे और सैचुरेशन को भी बढ़ा देंगे, ठीक है। और जो लास्ट में कलर मिलता है तो इसकी सैचुरेशन एकदम कम कर देते हैं, मतलब कि थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं करिएगा गाइस। और यहाँ से सभी कर लेते हैं डन। और डन करने के बाद अगले टूल पर चलते हैं गाइस। अगले टूल पर जाने के बाद इसकी क्लैरिटी बढ़ाएंगे और डेज बढ़ाएंगे और विंग टेंट को एकदम कम कर देंगे, ठीक है, वो भी अपने फ़ोटो को फोकस देने के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड जैसे कि अब हम अगले टूल्स पर चलेंगे, और सॉरी गाइस जैसे कि हम उस टूल में थे जिसमें विक्टेन और डेज था, तो सबसे नीचे जाइएगा, आपको ग्रेन अमाउंट एक मिलता है, तो उसको आपको थोड़ा हल्का सा बढ़ा देना होगा, ठीक है। और अगले टूल्स पर चलेंगे और इसकी स्नैपनिंग डालेंगे और नॉइट रिडक्शन डालेंगे और कलर नॉइट रिडक्शन डालेंगे, ठीक है गाइस। तो फ्रेंड जैसे कि मुझे एक आप देख ही सकते हैं, जैसे कि मैंने अपनी पीएनजी जो नीचे थी वो आग वाली पीएनजी, तो गाइस मैंने उसको लगाया था, तो मैंने इसे इरेज नहीं करवाया, तो गाइस मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आप बहुत ही बढ़िया से एडिटिंग करिएगा, एक तो मैंने गाइस आपको समझाने के लिए बताया गाइस कि कैसे एडिटिंग करी थी ये वाली, तो गाइस आप अच्छे से करिएगा। जैसे कि ये पार्ट मेरा इरेज नहीं हो पाया, तो गाइस मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड फिर चलते हैं अगली वीडियो पर, मिलते हैं। तो